ब्रह्म सब का कारण है ऐसा ब्रह्मवाद में कहा जाता है क्यों ऐसा कहा गया सब समय लोगों के मन में यह प्रश्न होता रहता था आज भी लोगों के मन में होता है लोग करते रहते हैं कि दुनिया कैसे बनी कहाँ से बनी किसने बनाई आखिर इतना बड़ा संसार है कोई बनाने वाला होगा तो कैसे संसार का निर्माण हुआ इसके उत्तर में अनेक विद्वान संत महात्मा अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ कहते रहे हैं आज भी कहते ही हैं वैदिक युग में भी ये प्रश्न उड़ता रहा होगा लोगों ने वैदिक ऋषियों से भी पूछा होगा तो वो भी अपने ढंग से कह दिए कोई किसी से बता दिए कोई किसी से बताए कोई किसी से बताए एक उत्तर नहीं है जो आदमी जिस देवता की उपासना करता है उसी को वो कह देता है कि वही दुनिया का बनाने वाला है पुराणों को देखें तो बस उसमें ही अमुक ने बनाया अमुक ने बनाया अमुक ने बनाया हर उपासक अपने उपास्य को सबसे बड़ा बताता है और उसी को दुनिया का हरता करता ऋग्वेद में कहा गया है जगह सृष्टि के समय विश्वकर्मा का आधार कहाँ था कहाँ पर ठहरकर उसने सृष्टि बनाना शुरू किया विश्व का सृष्टा विश्वकर्मा ने किस स्थान पर ठहर कर पृथ्वी बनाई और ये लोग तारामंडल को उसने कैसे बनाया एक जगह कहा गया है ऋग्वेद में ही जगत बनाने वाले ने किस लकड़ी से जगत को बनाया और लकड़ी किस वृक्ष की थी कौन वृक्ष था किस जंगल में मेरे वह वृक्ष था और जगत को धारण करने वाला किस स्थान पर खड़ा होकर इस संसार को थामे हुए हैं बस एक प्रश्न है मन में भावना उठी बस कह दिए चूंकि वैदिक काल में पहले लकड़ी का घर लोग बनाते थे तो उसी अंदाज कह दी कि भगवान ने भी लकड़ी से दुनिया बनाई जो लकड़ी बनाई तो वो लकड़ी किस जंगल की लकड़ी थी किस वृक्ष की लकड़ी थी तैतृ उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म वन में ब्रह्म वृक्ष था उसी से ही विश्वकर्मा ने सृष्टि बनाई तो पूछा गया था कि किस वन में कौन सा वृक्ष तो कहते ब्रह्म वन है ब्रह्म वृक्ष बस कहना था कह दिया कुछ न कुछ ऐसे तमाम प्रकार के उत्तर लोग देते रहे हैं प्रश्न करते रहे हैं अथर्वेद में एक जगह कहा गया है कि ये सारा संसार उच्छिष्ट से पैदा हुआ है उच्चिष्ट कहते हैं उच्छिष्ट जूठे भोजन को जब भोजन हम करते हैं जो नहीं खा पाते हैं बच जाता है वो उसको उच्छिष्ट जूठा सायन ने इसके भाष्य में लिखा है कि हवन करने के बाद प्रसाद के लिए जो बचा रहता वह उच्छिष्ट है और वही देवताओं का सृष्ट उत्पन्न होने का कारण हुआ बाद में कह दिया गया उच्छिष्ट कर्त, ब्रह्म और ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पन्न होगी में जगह कहा गया है कि अमावस्या ने दुनिया बनाई अमावस्या के अतिरिक्त दूसरा और कोई दुनिया बना ही नहीं सकता है तो ऐसे ही और तमाम कृषि बातें और उन्हें एक एक बातों को लेकर के बाद में सबको ब्रह्म से जोड़ दिया गया कह दिया गया कि ब्रह्म ही दुनिया का बनाने वाला और कहते यह है कि ब्रह्म अकेला है अद्वैत है अद्वितीय तो ब्रह्म अकेला अद्वितीय है तो एकाकी न रमते ब्रह्म को अकेले में आनंद नहीं आया इसका मतलब होता है ब्रह्म शरीरधारी रहा होगा शरीर राह तभी तो उसके पास मन था और तभी तो उसका मन घबराया अकेले में आनंद नहीं आया बिना शरीर के मन नहीं होगा और बिना मन के घबराहट नहीं होगी यदि ब्रह्म अकेला था अकेला रहते थे घबरा गया तो शरीर धार रहा और एक शरीरधारी इतने बड़े दुनिया को कैसे बना सकता है लेकिन कह दिया लोगों ने एक आकी न रमते अकेले में ब्रह्म को आनंद नहीं आया और फिर उसने इच्छा की एको हम बहुत श्याम पड़ जाइए मैं एक हूँ और बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं फिर अपने से निकाल निकाल कर ये दुनिया बना दिया और फिर ऐसे ही कह देंगे फिर क्या बना कैसे बनाया तो कह दिया कि पहले आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु वायु वाय। वाय। से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी ऐसे सब बंद चले गए और इन्हीं सारी बातों को लेकर के ब्रह्म सूत्र जो वेदांत अद्वैत ब्रह्म का ग्रन्द, मूल ग्रन्द माना जाता उसके शुरुआत में कहा गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा होती है ब्रह्म को जानने का प्रयास किया जाता है तो ब्रह्म कौन तो कह दिया गया जन्मादस्य यत जिससे सबका जन्म होता है वही ब्रह्म है तो कैसे मान लें ब्रह्म से सबका जन्म होता है कहा गया शास्त्र योनित्वात् शास्त्र ब्रह्म को को उत्पत्ति स्थल बताते हैं इसलिए ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ तत्व समन्वयात यहीं पर आकर के सबका समन्वय हो जाता है सा, सारे वेद वचन ब्रह्म को जगत कारण बताने वाले हैं इसमें और सब एक मत हैं अद्वैत वेदांत ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ के चार सूत्र हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा है। ये चार सूत्र समझ सकते हैं कि इन्हीं चार सूत्रों की व्याख्या पूरा ब्रह्म सूत्र है स्वामी शंकराचार्य ने भी सूत्रों की खूब जम करके व्याख्या की है और फिर धीरे धीरे उसकी व्याख्या और बढ़ती गई और ब्रह्म को सबका कारण बताते चले गए लेकिन एक निर्विकार अखंड निरव चेतन ब्रह्म से विकारी सवयव परिवर्तनशील जड़ जगत कैसे बना इसका उत्तर नहीं मिलता है जो कुछ उत्तर दिया था सब गड़बड़ झाला ही रहता है क्योंकि चेतन से जड़ बने कैसे जो निर्विकार है उसमें विकार उत्पन्न कैसे होगा तो ब्रह्म आदि कह देते हैं कि जगत तो है ही नहीं बनेगा क्या तब क्यों कहते हैं कि ब्रह्म से जगत बना जब यह प्रश्न हुआ कि ब्रह्म निर्विकार है अखंड है ठोस और जगत है विकारी परिवर्तनशील दोनों में तो तालमेल नहीं है तो निर्विकार ब्रह्म से ऐसे विकारी जगत बना कैसे तो ब्रह्म आदि कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है दुनिया तो है ही नहीं बनेगी क्या वो तब आप क्यों कहते हैं कि जगत दुनिया जगत ब्रह्म से बन गया तो प्रमवादी कहते हैं हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि कहीं आ, शांख वैसे यह न कह दे दुनिया परमाणु से बन, बनी हुई है हम यदि ऐसा नहीं मानेंगे कि तो सांख्य की बात सिद्ध हो जाएगी कि सांख्य वैसे की बात सिद्ध होगी दुनिया तो परमाणु से बनी है अरे जब वो परमाणु से बनी ही है तो आपकी कहानी तो ब्रह्म कैसे से बन जाएगी दुनिया सांख्य वैशेषिक के डर से ब्रह्मवादी कहते हैं कि दुनिया ब्रह्म से बनी अन्यथा दुनिया तो है ही नहीं एक भय से बचने के लिए तमाम झूठ अब हकीकत यही है सारी दुनिया तो परमाणुओं का खेल है दर तत्वों के परमाणुओं में अपने गुणधर्म है क्रिया है गति है उसी से ये सब कुछ का बलना बिगड़ना चल रहा है इसीलिए गौड़पाद जिनसे आचार्य शंकर ने प्रेरणा लेकर के इस ब्रह्मवाद को और अधिक पुष्ट किया तो उद्गौरपाद ने कहा कि भूत तो अभूत तो वापि सृज्यमानी समाश्रुति निश्चितम युक्तयुक्तम च यत तद भवती नेतरे श्रुतियों ने कहीं भूत अर्थात जड़ तत्वों से सृष्टि होना बताया है और कहीं अभूत अर्थात चेतन से किंतु जो निश्चित और युक्त युक्त है वही सत्य है अन्य नहीं एक सच्चाई की बात इस पर है जो निश्चित है युक्त युक्त है, का, है नियम के अनुसार है वही हो सकता है जो युक्तपूर्वक नहीं है नहीं हो सकता दृष्टा और दृश्य चेतन और जड़ दोनों अलग अलग हैं दोनों कभी एक हो नहीं सकते हैं <coughs> दृश्य हम दृष्टा हैं चेतन दृष्टा है जगत दृश्य है दृश्य जगत का मोह त्याग करके उधर से तो लौट करके अपने आप में चेतन स्थित हो गया शुद्ध बुद्ध अद्वैत रह गया असली अद्वैत यही है पूरी दुनिया भर को मिलाकर के अद्वैत कहना एक झूठी बात को शेषित करने के लिए हट करना है विश्लेषण और संश्लेषण विश्लेषण वस्तुओं का अलग अलग विवरण देना किसी वस्तु के कि गुणधर्मों का अलग अलग विवरण करना विभाग करना यह विश्लेषण है संश्लेषण सब का एक में समाधान करना अलग अलग वस्तुओं को एक में जोड़ना यह विश्लेषण है वस्तुओं के वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान के लिए विश्लेषण भी जरूरी है और व्यवहार के लिए संश्लेषण भी जरूरी है क्योंकि यदि वस्तु एक वस्तु के अनेक जो गुणधर्म हैं पूरी तरह खुल करके अच्छी तरह विवरण दिए बिना उसका ज्ञान कैसे होगा जैसे हमारा हमारा शरीर है हम कहते हैं भाई हमारा शरीर लेकिन शरीर में आंख नाक कान जीव त्वचा ये ज्ञानेन्द्रिया अलग अलग है हाथ पैर मुख उपस्थ गुदाई कर्मेंद्री अलग अलग है पेट पीठ अलग अलग है सिर अलग है मस्तक अलग है सिर के पीछे भाग अलग है तो शरीर के अलग अलग, अलग अंग को पहचानना यह विश्लेषण किए बिना शरीर के एक एक अंग को हम न पहचाने तो शरीर का पूरा ज्ञान नहीं होगा लेकिन हाथ पैर पेट पीठ आंख नाक कान को अलग अलग कर कर दो अलग अलग ही रहने दो तो शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी शरीर है क्या अनेक अंगों का जोड़ पूरा जब है आँख नाक कान हाथ पैर आदि सब व्यवस्थित तब कहेंगे शरीर सर्वांग गाड़ी क्या है उसमें पहिए हैं धुरे हैं पटरे हैं और तमाम है यदि अलग अलग ज्ञान ना हो तो फिर गाड़ी को हम पूरे के पूरे विवरण से समझ नहीं सकते लेकिन अलग अलग रहने दो तो गाड़ी बनेगी नहीं सबको जोड़ना पड़ेगा तो अलग अलग विवरण करना विश्लेषण है और सबको एक में जोड़ करके समझना संश्लेषण है इसका कि शरीर के अनेक अंग हर अंग का अपना महत्व है तो हर अंग के महत्व को समझना हर अंग को पहचानना उसके महत्व को समझना अच्छा वही विवरण पूर्वक विश्लेषण लेकिन सबके सबको हम किसको हम शरीर को हाथ को शरीर कहेंगे कि पैर को कहेंगे शरीर में हाथ है पैर है तो केवल हाथ को शरीर नहीं कह सकते केवल पैर को शरीर नहीं कह सकते या पीठ को भी शरीर नहीं कह सकते पेट को भी नहीं कह सकते केवल आँख को केवल नाक को केवल मुख को या केवल शरीर को शरीर नहीं कह सकते शरीर है क्या ये सब का जोड़ सब का समाहार एक समन्वय सब में तब शरीर नाम की चीज होती है तो संश्लेषण भी जरूरी है और विश्लेषण भी जरूरी है कोई घर परिवार समाज है उसमें अनेक व्यक्ति हैं घर है परिवार समाज तो एक व्यक्ति से परिवार तो बनता नहीं है एक व्यक्ति से समाज बनता नहीं तो अनेक व्यक्तियों के मेल से परिवार समाज बनता है लेकिन परिवार समाज में जो अनेक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व को अलग अलग समझना ये विश्लेषण है और आवश्यक भी है घर परिवार समाज चलाने के लिए कोई उसमें कोई भोजन बनाने में कुशल है कोई खेत के काम करने में कुशल है कोई व्यवस्था देखने में कुशल है कोई दुकानदारी में कुशल है कोई लेखक है कोई कलाकार है कोई और है कोई और है किसी में कोई विशेष गुण है किसी में कोई विशेष गुण किसी में कोई विषेद गुण हर किसी में अलग अलग गुण है और सबके गुणों को समझना है सबके विशेषता को भी समझना है लेकिन समझ करके अलग अलग ही कर रहे तो घर परिवार या समाज तो बनेगा नहीं तो अलग अलग गुण हैं तो उनके गुण उनके गुण उनकी, उनकी, उनकी विशेषता को समझना तो है लेकिन सबकी सामूहिकता सब अलग, अलग खाली लेखक अलग रह जाए कलाकार अलग रह जाए दुकानदार अलग रह जाए व्यवस्थापक अलग रह जाए तो जीवन तो चलेगा नहीं सबकी सामूहिकता से परिवार बनता है सबकी सामूहिकता से समाज बनता है और सबके सामूहिकता से दूसरे के सहयोग से सबका जीवन चलता है किसान का भी महत्व तो है <coughs> लोहार का भी महत्व तो है और दुकान करने वाले का भी महत्व है सैनिक का भी महत्व है तो इंजीनियर का महत्व है डॉक्टर का महत्व है नेता का भी महत्व है।, है और सब एक समाज के सदस्य हैं और डॉक्टर अलग रह जाए दुकानदार अलग रह जाए इंजीनियर अलग रह जाए सैनिक अलग रह जाए किसान अलग रह जाए तो किसी जीवन व्यतीत थोड़े चलेगा सबकी सामूहिकताओं के बदना पड़ेगा तो सामूहिकता संश्लेषण है सबके गुणों को अलग अलग समझना उनकी विशेषता को अलग अलग समझ कर उनको महत्व देकर वैसे काम लेना ये विश्लेषण है जैसे पुस्तक ये पुस्तक में बहुत से अक्षर हैं बहुत से शब्द हैं अब यदि हमें अलग अलग वर्ण और मात्रा की समझ न हो अलग अलग वर्ण मात्राओं की पहचान न हो तो हम कोई भाषा पढ़ नहीं सकेंगे लिख नहीं सकेंगे किसी पुस्तक किसी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए उस भाषा के अलग अलग वर्ण मात्रा की पहचान आवश्यक है लेकिन उन वर्ण मात्राओं को अलग अलग ही रहने दो जोड़ो मत एक में तो कोई शब्द बनेगा ही नहीं कोई पुस्तक बनेगी ही नहीं आखिर जब हम पुस्तक पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं अभी हिंदी पुस्तक है इसमें वर्ण मात्रा मिला करके बावान व्यंजन कहे जाते हैं अब हम इनमें से हम किसी की पहचान ही ना हो तो हम पुस्तक पढ़ेंगे कैसे और सभी जितने वर्ण क ख ये सबको अलग अलग ही रहने दो किसी किसी साथ जोड़ो मत शब्द क्या बनेगी पुस्तक क्या बनेगी तो एक एक वर्ण एक एक मात्रा का महत्व है लेकिन वह अलग अलग रह जाए तो किसी काम के नहीं है फिर जब आपस में जुड़ते हैं भिन्न भिन्न ढंग से तो वो वर्ण मात्रा का महत्व होता है और तब कोई भाषा बनती है और कोई पुस्तक बनती है ऐसे ही है बड़ी से बड़ी पुस्तक है कितनी बड़ी पुस्तक हो हिंदी में है तो ये जो बावन वर्ण और मात्रा है, मिला है उन्हीं के तो जोड़ है इसके अलावा कुछ नहीं है हजार पेज की पुस्तक तक हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण और मात्रा मिलाकर के जितने बानो हैं उन्हीं का तो जोड़ है और क्या है उसमें जितने कह हैं जितने हैं जितने है, सब को निकाल तो पुस्तक रहेगी तो अब हम पहचान भी नहीं किए किसी का किसी खा किसी गह कहते हैं तो पढ़ेंगे क्या तो अलग अलग वर्ण मात्रा की पहचान विश्लेषण और सब के संयोजन कर देना यह विश्लेषण यह संश्लेषण वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान कई जगह प्रवचन था एक घंटा तक खूब बोला उदाहरण दे दे करके लोगों को उसका प्रवचन बहुत अच्छा लगा खूब प्रसन्नता कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति आया और कहा आपका प्रवचन बहुत बढ़िया मुझे लगा लेकिन आपने जो प्रवचन दिया मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है उसमें जो प्रवचन दिया उसमें सब अक्षर उसमें उसमें सब चीज उस पुस्तक में है तो प्रवक् उस प्रवक्ता को विद्वान को आश्चर्य हुआ कि आप तो यहाँ तो पहली बार बोल रहा हूँ कहते हैं कि एक ऐसी, ऐसी पुस्तक मेरे पास है जिसमें आपने जितना बोला सब के सब है कहा भाई अच्छाओ पुस्तक कौन पुस्तक तो दे दीजिए शब्द को दीजिए दीजिए तो सब जितने बोला आपने सब इसमें है सब अभी तो क्या फिर तो अलग अलग वर्ण मात्रा की पहचान आवश्यक है और सबका संयोजन भी आवश्यक है साधना के क्षेत्र में जितने सद्गुण हैं दया क्षमा करुणा प्रेम सत्य धीर विवेक विचार वैराग्य भक्ति ये जो सद्गुण हैं है सद्गुण का अपना महत्व है और जीवन के क्षेत्रों में सभी सद्गुणों की आवश्यकता है तो जितने सद्गुण है दया क्षमा था धीर विवेक विचार भक्ति आदि इनके भिन्न भिन्न -भी लक्षणों को जानना जान कर इनके इनका धारण करना और जीवन के विभिन्न अवसरों पर इनका प्रयोग करना आवश्यक है और यही है विश्लेषण लेकिन इन जितने भी सद्गुण हैं दया क्षमा धीर विवेक विचार आदि इन सब का फल क्या होना चाहिए इन सब का संश्लेषण क्या है मन की शांति आत्म शांति हम तमाम सद्गुणों का प्रयोग करते हैं जीवन आचरण करते हैं मन में शांति ना हो तो सद्गुणों का तो महत्व तो नहीं रह गया फिर तो हर सद्गुण का अपना महत्व तो है और इन सभी सद्गुणों का को अलग अलग पहचानना विश्लेषण है और सबका समाहार सब का फल मन की शांति शांति ये संश्लेषण है जितने आदमी हैं सभी आदमियों के विचार भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न ही नहीं है विचारों में कई जगह विरोध भी है लेकिन इतना होते हुए भी, भी सबके विचारों का अपना अपना अलग अलग महत्व तो है लेकिन ये जितने भी आदमी हैं सबके विचार अलग अलग ही रह जाए परस्पर भिन्न विचार भिन्न और विरोधी विचार हैं वो अलग अलग ही रह जाए उनमें समाधान न करें तो सुखपूर्वक कोई जी नहीं पाएंगे तो चारों में समता एकता मैत्री बने रहे संगठन बने रहे चारों एक साथ जुड़ करके या जितने भी चार वारदा जितने भी सब जुड़ करके एक साथ काम कर सकें इसके लिए आवश्यक है भिन्न विरोधी विचारों का मूल्यांकन करते हुए आदर देते हुए भी उनमें एकता और समन्वय बैठाना तो भिन्न विचार को समझना ये विश्लेषण है और उनमें समाधान करना यह संश्लेषण है हमारे हाथ में पांच अंगुलियां हैं कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई मोटी है कोई पतली है पांच अंगुलियों का अपना महत्व तो है अपना अस्तित्व तो ये विश्लेषण है लेकिन पांच अंगुलियां अलग के अलग रह जाएं तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है जब पांचों उंगलियां जुड़ती है जिसको हम संश्लेषण हैं तब काम होता है तो इस प्रकार से हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में संश्लेषण की और विश्लेषण की जो विभिन्नता है उस विभिन्नता को भी पहचानने की आवश्यकता है और जो सब की एकता है समता है उसको भी पहचानने की आवश्यकता है खाली विश्लेषण विश्लेषण करते रह जाए अलग अलग तो भी काम नहीं चलेगा और विभिन्नता को पहचान न पहचाने तो भी काम नहीं चलेगा अनेक दर्शन हैं दुनिया में और सत्य की परिभाषा को लेकर के अनेक दर्शनों की व्याख्या में बड़ा अंतर है इनमें से अब बिल्कुल किसी एक को पकड़ बाकी को छोड़ दें तो भी काम नहीं बनने वाला है लेकिन हम सब सबको एक सूर्य से स्वीकार कर लें तो भी संभव नहीं है तो सबके अच्छाइयों को लेते हुए सबके जो गलतियां हैं उनको छोड़ना होगा तो सबके विचार को अलग अलग समझना विश्लेषणात्मक ढंग से कि कौन दर्शन क्या मानता है कौन दर्शन के कि, किस कि, कि, इसके संबंध में किस दर्शन के कि, क्या विचार हैं उसको अलग अलग विवरण पूर्वक समझना विश्लेषण लेकिन सबके तत्वों को लेकर के सब में एकता भी ना ये संश्लेषण है इतना उदाहरण दिया गया अब इसके पश्चात जो खास बात कहनी है उसे यहाँ लिखा जाता है कि हर वस्तु का मर्यादा विहीन विश्लेषण न करने की आवश्यकता है न मर्यादा विहीन संश्लेषण करने की आवश्यकता है संश्लेषण की आवश्यकता है विश्लेषण की आवश्यकता है तो है लेकिन मर्यादा विहीन नहीं बनेगा जैसे कहा जाता है कि सच्चा दर्शन वही है जो अनेकता को एकता में पिरो दे अनेकता में एकता देखना कहा हम भी कहते हैं कि कबीर साहब ने अनेकता में एकता देखा तो ये कथा कि अनेकता में एकता देखना अनेकता को एकता में पिरोना बात तो सही है लेकिन ये सर्वथा निरपेक्ष नहीं ही है इसको सापेक्ष ढंग से समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ यह है कि अनेकता में एकता देखने का जो अर्थ है कि विभिन्न दर्शनों में जो जो भिन्न भिन्न विचार हैं उन भिन्न भिन्न विचारों को समझ करके उनको महत्व देते हुए सम में एक जो सार सत्य है उसको लेकर के एकता बैठाना केवल जो विरोधी विरोधी बातें हैं उन्हीं को लेकर के कहा हम इन इन्हीं विरोधी बातों को लेकर एकता कर लें तो संभव ही नहीं है दो आदमी हैं और दोनों आदमी अपने अपने विरोधी विचार को लेकर के अड़े रहें तो एकता कैसी होगी और दोनों आदमी अपने अपने विरोधी विचार को जहाँ विचार नहीं मिलते उनको छोड़ दें तो दोनों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपस में मिल जाती हैं तो अनेकता में एकता देखने का अर्थ यही है कि जो विरोधी बातें हैं उनको हटा करके उनको स्वीकार करते हुए भी उनको महत्व न दे करके जहाँ पर समता एकता हो सकती है उनको महत्व तो देना अनेकता में एकता देखने का तो अर्थ यह भी है कि जो अनेकता पूर्ण संसार है संसार का नाम ही अनेकता विविधता संसार में एक रूपता बाहरी रूप में कभी हो ही नहीं सकती है हाँ ऐसा तो हम कह सकते हैं संसार में कहीं भी चले जाओ वही मिट्टी पानी आग हवा का खेल है जड़ तत्वों का खेल है कहीं चले जाओ कितने आश्चर्य से आश्चर्यजनक चीजें दिखाई पड़ती है लेकिन सब के सब है क्या मिट्टी पानी आग हवा का खेल जड़ तत्वों का खेल है जड़ तत्वों के गुणधर्मों से ही विभिन्न विचित्रताएं दिखाई पड़ती है बाहरी रूप में देखते हैं तो इतनी विचित्रता इतनी विचित्रता कि कहीं मेल ही नहीं है अब हम उनको क्यों मिलाना चाहें तो संभव कैसे है तो विभिन्न विचित्रताएं दिखाई पड़ रही है वो है और उनका जब हम स्वीकारते हैं उनको उपयोग करते हैं तभी व्यवहार चलता है लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तब यह पता चलेगा कि इतनी विचित्रता होती तो हुए भी सब में सब के सब केवल जड़ है और जड़ तत्वों का खेल है जड़ तत्वों के गुणधर्मों से है तो संसार विविधता पूर्ण, है अनेकता पूर्ण, इसको स्वीकारना पड़ेगा और फिर इस अनेकता पूर्ण संसार से मुड़ करके अपने आप में केंद्रित हो जाना यह अनेकता से एकता में जाना है भारी दृष्टि से मैंने कहा कि विभिन्न जो विचित्रताएं हैं उनको जानते समझते उनका उपयोग करते हुए उनका प्रयोग करते हुए भी अंत में ये समझ लेना कि सब जड़ का खेल है बाहरी दृष्टि से अनेकता में एकता में जाना हुआ और अनेकता पूर्ण संसार है इसी में शरीर भी बना हुआ है इसी इसी में ब्यार चल रहा है इसको स्वीकार करके उपयोग करते हुए इससे मुड़ करके अपने स्वरूप में आ जाना ये अनेकता से एकता में जाना है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विभिन्न दर्शनों में जो विरोधी विचार हैं उनको हम जबरदस्ती एक करना चाहें कैसे कर सकते हैं लेकिन जितने भी दर्शन हैं चाहे जितने विरोधी विचार रखें सबको उद्देश्य क्या है दुखों से अत्यंत छुटकारा वहां आकर के सब एकता हो जाए कोई ईश्वर मानता है कोई नहीं मानता है कोई संदाग बनाने वाला मानता है कोई नहीं मानता है कोई एक तत्व कहता है कोई दो कहता है कोई चार तत्व कहता है कोई पांच कहता है कोई कुछ और कहता है कोई कुछ और कहता है लेकिन जितने भी दर्शन हैं उनकी व्याख्या में मान्यता में अंतर होते हुए सबका मूल उद्देश्य क्या है दुखों से पूर्णतया छुटकारा पाना और यही यही अनेकता में एकता है जबरदस्ती हम एकता करना चाहें तो संभव नहीं है एक कि अनेकता से एकता में मुड़ना सच्चा दर्शन है तो एक अपेक्षा से कहना होगा निरपेक्ष रूप से नहीं कहा जा सकता है अब आगे दो बातों की मुख्य आलोचना इसमें है एक प्रसंग है डॉक्टर राधाकृष्णन का और दूसरा प्रसंग है पंडित बलदेव उपाध्याय का डॉक्टर राधा कृष्ण लिखते हैं कि सांख्य अद्वैत विषयक आदर्शवाद के सत्य की ऊंचाई तक नहीं उड़ता बल्कि केवल बोध के उस स्तर तक रहने में ही संतुष्ट है जो सत और असत के भेद पर बल देता है और दोनों के विरोध को यथार्थ था तादत्म्य को अयथार्थ मानता है सीधी बात है डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि सांख्य सत और असत के भेद पर बल देता है असत और, और असत में जो विरोध है उसका यथार्थ मानता है दोनों की एकता को गलत है। मतलब जड़ और चेतन को सांख्य अलग अलग मानता है और जड़ के गुण और चेतन के गुण में जो विरोध है उसको सही मानता है और जड़ और चेतन मिला करके एक कर दें इसको सांख्य सही नहीं मानता तो सांख्य का ऐसा मानना गलत है असली ज्ञान तो यह है प्रकृति और पुरुष और जड़ और चेतन दोनों को मिला मिलाकर के एक कहना और अद्वैत का यही आदर्श है और सांख्य यहां तक नहीं पहुँच पहुंचता है तो के बीच में ही रुक जा रहा है तो सांख्य की गलती है लेकिन डॉक्टर स्वयं डॉक्टर राधा कृष्ण यहां जबरदस्ती करते हैं जब अलग अलग है तो वो एक भी मिलाओगे कैसे सांख्य दर्शन केवल आदर्शवादी ही नहीं है यथार्थवादी है ये तो साफ बात है कि सांख प्रकृति पुरुष जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष की पृथकता पर जोर देता हूं है। कहते हैं शुरू से पृथक हैं दोनों और शुरू अंत तक पृथक ही पृथक रहेंगे कभी भी सांख दोनों की एकता पर जोर पर जोर नहीं देता वो मानता ही नहीं कभी आधे जमान में भी नहीं सांख्य नहीं कह सकता कि प्रकृति पुरुष जड़ चेतन दोनों एक हैं और ये जड़ और चेतन प्रकृति और पुरुष यही दोनों को एक कहना जड़ चेतन को एक मान लेना यही तो अविद्या है न तो बिहारी जगत में प्रकृति पुरुष जड़ चेतन एक हैं न अध्यात्म में एक है इसी एकता को कहा जाता है कि यह ये सच्चा ज्ञान है अद्वैत जैसा कि लोग मानते हैं अद्वैत अर्थ जड़ और चेतन दोनों को मिलाकर एक अद्वैत तो जो भी विवेकवान होगा वो इस अद्वैत से दूर ही रहेगा वो कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता और जड़ और चेतन दोनों को मिलाकर के अद्वैत कहना एक हट है दुराग्रह पक्षपात लोग कहते आए हैं आंख मुनते चले जा रहे हैं लेकिन शांख जैसे राधा कृष्णन कहते हैं सांख अद्वैत विषय आदर्शवाद ऊँचाई तक नहीं उड़ता तो अद्वैत है क्या आखिर सांख्य जब ये कहता है कि नाच नामे नाहम कि मैं क्रियावान नहीं हूँ मेरा भक्तित्व तो नहीं है और मैं करता नहीं हूँ केवल एक शुद्ध बुद्ध वहाँ पर अद्वैत हो गया उनका प्रकृति से हट गया और पुरुष अद्वैत रह गया अद्वैत की ऊंचाई तो यही है प्रकृति से भिन्न होकर के पुरुष का केवल अपने आप रह जाना यह तो वास्तविक अद्वैत है और सांख्य यही कहता है यह थोड़े कह देता है कि सबके में मिला पहुंच जा तो सर राधा कृष्णन लिखते हैं कि सांख अद्वैत विषय आदर्शवाद की ऊंचाई तक नहीं उड़ता तो उसके ख्याल से कि दोनों को में नहीं मिलाता इसलिए गलत कर देता है सांख लेकिन प्रकृति से हट करके चेतन पुरुष का केवल रह जाना ये वास्तविक अद्वैत और सांख्य का यही कहना है कि ऊंचाई तक तो क्यों नहीं उठता है फिर पंडित बलदेव उपाध्याय लिखते हैं कि न्याय दर्शन इस जगत को ज्ञान से एक पृथक स्वतंत्र सत्ता मानता है और उसमें अनेक नित्य पदार्थों की कल्पना करता है तो इसका मतलब न्याय जगत को ज्ञान से अलग और भिन्न भिन्न सत्तात्मक पदार्थ जैसे जैसे न्याय कहता है कि पृथ्वी अलग है चांद अलग है सूर्य अलग है मिट्टी पानी आग हवा अलग है तो न्याय के कहना गलत है बल्ले उपाध्याय का यही कहना है उनका कहना यह है कि जगत हमारे ज्ञान से पैदा हुआ है जगत को हम जानते हैं तो जगत है नहीं तो जगत तो है ही नहीं लेकिन क्या ऐसा है हम जगत को नहीं जानते हम सो गए सब बेभान कुछ भूल गए सब बिल्कुल बेभान हो गए मतलब संसार ख़त्म हो गए हमारे लिए नहीं, नहीं। चाँस सूरज जब हम जागते हैं ना तब तो दुनिया धरती का फिर पैदा हो जाते हैं जानते हैं तब है नहीं जानते ख़त्म हो गए तो सच क्या है हमारे ज्ञान से जगत अस्तित्व नहीं किंतु तो हम जगत का हम ज्ञान करते हैं तो अब मिट्टी पानी आग, हवा जितने जड़ तत्व तो है वो अलग अलग हैं तो जब अलग अलग हैं तो हम उस एक में मिलाने वाला है ले कौन होते हैं और सब एक है सब को समाप्त कर दो ये धारणा ही निरर्थक है लोग कहते हैं कि ये दुनिया हमारे मन से निकली हुई है किंतु तो सच्चाई ये नहीं है दुनिया को देख करके हमारा मन बना है जी जी पुराने पदार्थ हम देखते हैं उन्हें उन्हीं के बारे में हमारा मन बनता है और दुनिया तो इतनी भी बड़ी इतनी बड़ी है संसार इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां तक हमारा मन कभी पहुंच ही नहीं सकता है इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में कौन जान सकता है और कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड हमारे मन से निकला हुआ है तो कहने मात्र से थोड़े निकल जाएगा तो मन से जगत नहीं निकला है किंत चेतन के साक्षित्व में चेतन की उपस्थिति में, में जगत का प्रतिबिंब मन है हम जिसको जिसको देखते हैं या जिसके बारे में सुनते हैं जिसका उपभोग करते हैं उन्हीं संस्कार हमारे अंदर पर पड़ते है उसी को हम मन कहते हैं जगत को देख करके मन बनता है ब्रह्मवादी कहते हैं मन जगत मन का प्रतिबिंब है विवेकवादी कहते हैं मन जगत का प्रतिबिंब है हम जाने तो और न जाने तो सोचे तो न सोचे तो दुनिया तो अपनी जगह पर है ही इसलिए हम जगत को ज्ञान मात्र कहते कहते हैं। हम जगत का हम ज्ञान करते हैं न कि जगत ज्ञान मात्र है पंडित बलदेव उपाध्याय के अनुसार न्याय दर्शन जगत की स्वतंत्र सत्ता मानता है जगत को ज्ञान मात्र नहीं मानता ऐसा करके वह गलती करता है क्योंकि स्वयं बलदेव बल्दे, उपाध्याय स्वयं गलती कर रहे हैं कि जगत को ज्ञान मात्र बता करके सच्चा दर्शन वही हो सकता है जिसमें एक नित्य पदार्थ की सत्ता मानकर समत पदार्थों का संबंध उसी से प्रदर्शित किया जाए तथा सद्वस्तु के एकत्व तो पर जोर दिया जाए तो कहने में बात बड़ी अच्छी लगती है लेकिन इस वाक्य का अर्थ ये पूरा वाक्य ही अपने आप में असंगत है क्यों एक नित्य पदार्थ की सत्ता मानकर समत पदार्थों का संबंध उसी से जोड़ा जाए तो भाई पदार्थ चाहे एक हो चाहे अनेक हो जो जैसा वैसा हो हम जबरदस्ती एक में कैसे करें पहले इसका अर्थ हुआ कि पहले एक ब्रह्म मान लो या पहले एक परमात्मा मान लो और मान करके सब उसी में जोड़ते चले जाओ जोड़ते चले जाओ सही सही बैठ जा तो भी और न बैठ तो भी काट पीट करके तो ऐसा कैसे हो सकता है जब अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेगा ना और फिर कहते हैं कि एक सत्य पदार्थ मानकर समस्त पदार्थ को उसी में जोड़ना तब एक है तो समस्त कहाँ से आ गया और समस्त है तो एक कैसे बनेगा फिर एक है तो समस्त नहीं है समस्त है तो एक नहीं है अब फिर भी उसी पर जोड़ देते रहना यदि मूल पदार्थ एक होता तो अनेक कहने की आवश्यकता होती नहीं है अनेक है तो एक कहने की जरूरत ही नहीं है जो जैसा है वैसा है इसीलिए शुरू में संश्लेषण और विश्लेषण की अनेक व्याख्या की गई थी अनेक परिभाषा दी गई थी तो मर्यादा विहीन विश्लेषण कर देना जैसे गलत है वैसे मर्यादा भी संश्लेषण की सब कुछ को एक एक जगह गुरुजी थे ऐसे कुछ प्रवचन चल तो रहा था विचार विमर्श हो रहा था कि जड़ चेतन के अलग अलग तो एक युवक ने कहा महाराज जड़ चेतन क्या है भिन्न भिन्न कहे तो कहे कहा कि तुम्हें जड़ चेतन भिन्न भिन्न नहीं लगता कि नहीं लगता मुझे तो सब एक ही दिखाई पड़ता है कि सब ही दिखाई पड़ता है हाँ सब एक है कहे कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता कहे फर्क दिखाई नहीं पड़ता तो लोगों ने गुरु जी ने कहा देखो लोनो भाई देखो भाई ये तो कहते हैं सब एक है ये चटाई ये कम्बल ये दरी ये कुर्सी ये टेबल सब एक है कि अलग अलग है महाराज अलग अलग है तो कहते हैं ये तो भाई कहते हैं सभी एक ही में हमें, हमें कोई को फर्क दिखाई नहीं पड़ता है एक ब्रह्मवादी आए कह सब कुछ एक ही एक के अलावा दूसरा कोई हम, हमें कहीं करे, हमें कहीं कुछ फर्क जान नहीं पड़ता है चाहे जैसा भी हमें कोई फर्क जान नहीं पड़ रहा था अच्छा बताओ टट्टी टट्टी और रोटी में फर्क है कि नहीं है तब चुप अब कैसे कि टट्टी रोटी दोनों तो एक है तो भावना के जोश में कह दिया कह देते हैं कि सब एक ही है सब एक नहीं है जो जैसा है वैसा है मानव मात्र का एक लक्ष्य है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के दुखों से सर्वथा छुटकारा पाना कोई आदमी कहीं भी हो भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी दुखों से छुटकारा पा जाना इसके लिए सब अपने अपने प्रयत्न कर रहे हैं भौतिक जीवन का जो दुख है वह शारीरिक परिश्रम करने से और शारीरिक परिश्रम जितने करेंगे तो उपार्जन होगा उसमें भी संयम पूर्वक खर्च करने से और दुर्व्यसनों से दूर रहने से भौतिक दुःख दूर हो जाएगा और आध्यात्मिक जीवन का दुख होगा मन की निर्मलता और एकाग्रता से अब आदमी किस परंपरा को मानता है कौन सा उसका मत है कौन मजहब है कौन पार्टी है कौन जाति है कौन देश है कि देवी देवता को उपासना करता है उस सब के अपने अपने विचार हैं लेकिन चाहे जहां हो आदमी और चाहे जिसकी देवी देवता को उपासना करता हो जिस पंथ को मानता हो जितना भौतिक क्षेत्र में आदमी मेहनती होगा उपार्जन करेगा उसका उसका भौतिक क्षेत्र का दुख दूर होगा और जितना अपने मन को निर्मल करके एकाग्र करेगा संयम से रहेगा उतना मन का दुख आध्यात्मिक दुख दूर होगा तो यह काम जिस साधन से सफल हो वही काम ठीक है और यही संश्लेषण करना है जगत अपने आप में विश्लेष्य है अथा अनेकता पूर्ण है और सरौप स्थिति संश्लेष्य है एक निष्ठा है आत्मनिष्ठा है, है। अतिय सभी जीवों को सजाति मानकर सबका हित सोचते हुए और यथा साध जो बंश के हित करते हुए सुरपस्थिति की ओर चलना और सुरक्षित होना यही सच्चा संश्लेषण है